हेलो, एक और नया दिन और एक और नया एडवेंचर। तो आज हम कवर करने वाले शिशु और जिस्पा, तो लेट्स स्टार्ट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य कैप्चर्स। और अभी थोड़ी देर फोटोग्राफी किया मैंने, काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स हैं, इसमें शेयर करूँगा मैं। और अभी अपन निकलेंगे 7-8 बजे करीब शिशु के। शिशु यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 87 है। वैसे जनरल लोग मनाली से आते हैं, अपन कुल्लू में स्टे करें यार, क्योंकि मनाली तरफ अच्छा सा होम स्टे तो फिर उसका हाई प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई फाई था। तो ये अपने को अच्छी डील में अच्छा, काफ़ी अच्छा आशीर्वाद होम स्टे मिल गया था। तो अभी निकलते शिशु के लिए, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। उधर देखो कितनी प्यारी सनराइज हो रही है ना, मतलब कि जो उसके एक एक रेस दिख रहे हैं ना, ओए होए होए होए, सन उधर है पीछे में और कितना ही सुंदर दिख रहा है यार। वाओ, ऐसा कुछ है रूम का व्यू, इसमें दिख नहीं रहा, थोड़ा हल्का सा धूल जमा हुआ है, बाकी वही नदी दिख रही है और इधर से सनराइज हो रहा है, काफ़ी अच्छा। तो गाइस फाइनली सब हो गया रेडी, अब निकलते हैं। बज चुका है 8:30, 7 बजे निकलना था, 1.5 घंटा लेट है। कोई नहीं, ट्रैफिक तो ऐसा भी नहीं होगा, तो लेट्स गो। हिमाचल में देखो डीजल कितना सही है, 82, बढ़िया। मैं तो ऑटो कट में फुल करा लेते और फिर निकलते हैं आगे। और यार इधर से देखो माउंटेन, तो गाइस अब प्लान ये बन रहा है कि अपन शिशु तो जा ही रहे, शिशु के आगे अगर हो सके तो वो भी कर लेंगे, जिस्पा और लाचा वगैरह। तो लेट्स गो, अभी तो हाल फिलहाल के लिए पहले शिशु जा रहे हैं, मनाली में नहीं रुकेंगे क्योंकि ऐसे अपना 81 घंटा 57 दिखा रहा है। 11:40 तक के पहुंच जाएंगे। अरे सामने कुछ पहाड़ का गाइस, ये हम पहुंच गए मनाली, और मनाली की ट्रैफिक भाई साहब 30 मिनट का दिखा रहा है ये ट्रैफिक देखो। और 1.5 घंटे में अपन शिशु पहुंच जाएंगे, आधा घंटा तो मतलब मनाली में ही है अभी अपन ट्रैफिक के चक्कर में। ये ट्रैफिक तो चलने का नाम ही नहीं ले रही, उतने देर से अपन यहीं खड़े हैं। 25 मिनट्स का दिखा रहा है, 1.5 घंटा अभी भी बचा है। इधर से गाड़ियां आ रही है, इधर से जा नहीं रही है, और बाजू भी नदी, बाकी व्यू अच्छा है यार, पूरे सफेद। मैं सोच रहा हूँ मई में इतने वो है उधर बर्फ जमा हुआ है, तो यार जनवरी जब ठंड के टाइम रहते होंगे तब तो इधर तक के भी अच्छे खासे बर्फ जमे रहते होंगे। तो गाइस फाइनली वी आर इन अटल टनल, पहले तो यहाँ पे चेकिंग होगी। हाँ जी,
पेट्रोल थोड़ी है, शायद अंदर फ्लेमेबल वो अलाउ नहीं है। तो पेट्रोल डीजल अलाउ नहीं है अटल टनल के अंदर। अब सीधा सनलाइट 9 किलोमीटर में बाद मिलेगा। अब दुनिया बदलने वाली है, दुनिया बदलने देख वाली है, दुनिया को अच्छे से। मेन तो अपन बर्फ के और पास आ गए, जब अपन उस तरफ से देख रहे थे वो इस मतलब कि अलग साइड आ गए, इस तरफ साइड। तो गाइस यहाँ से कुछ रह गए 13 मिनट, 6.6 किलोमीटर। और भाई अटल टनल तो काफ़ी अच्छा था यार, मतलब कि 9 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेट टनल था, इंडिया का हाईएस्ट भी है 10,000 फीट में, प्लस लॉन्गेस्ट भी है, तो काफ़ी अच्छा था। अब चलते हैं शिशु। शिशु में अपन जा रहे हैं वाटरफॉल, शिशु वाटरफॉल, जिसके लिए अपने को वो लगता है जिप लाइन करेंगे और थोड़ा सा ट्रैकिंग होगा 10-15 मिनट का। तो चलते हैं। व्यूज यार मेरे को मजबूरन रोकने के लिए बोल दिया, इतना अच्छा व्यू है ना यार, क्या बताऊं। नीचे नदी भी बह रही है ब्यास, क्या आवाज आ रहा है यार, और क्या ही व्यू। ऐसा लग नहीं रहा कि अपन मनाली के थोड़ा आ गए हैं, लद्दाख वगैरह पहुंच गए हैं ऐसा लग रहा है। तो और ये देखो बढ़िया अपनी रायपुर छत्तीसगढ़ की गाड़ी। और भाई व्यू तो यार ऑसम है, कुछ भी बोलो। पत्थर देखो एकदम सिल्वर की तरह चमक रहे हैं, मैं क्या ही है, एकदम चमक रहे हैं बढ़िया। चलो भाई चलते हैं, अब बढ़ते हैं शिशु के लिए। फाइनली गाइस शिशु पहुंच गए अपन, और पहले कुछ खाते, पहले पेट पूजा, फिर आगे रिवर के लिए निकलेंगे। रिवर बोल रहा हूँ यार, वाटरफॉल। अरे पहाड़ देखो, अब पहले कुछ खा लेते हैं फिर आगे निकलेंगे वाटरफॉल के लिए। तो चलते हैं, पता नहीं ये तो अभी बनी रहा है, नाश्ता पानी कर लेते हैं इस व्यू के साथ। वाह क्या ही व्यू है, और इधर ना आपको इतने छोटे छोटे इतने सारे वाटरफॉल मिल रहे हैं, एक ये इधर, एक ये सारे ऊपर ग्लेशियर से पिघल पिघल के नीचे गिर रहे हैं। पराठा बहुत अच्छा था, मिक्स पराठा और आलू पराठा, मैगी भी खाया अपन को, सब चीज़ बढ़िया था। और अब चलते हैं शिशु वाटरफॉल। इधर दिख रहा है शिशु लेक वाटरफॉल, यहीं से ट्रैक वगैरह करके अपन ऊपर चढ़ेंगे, और तो कुछ नहीं। फाइनली वाटरफॉल के पास पहुंच तो गए, यहाँ से जिपलाइन में जाना पड़ेगा। ये जिपलाइन है कुछ, यहाँ से जिपलाइन उधर, फिर वहाँ से ट्रैक करते हुए वाटरफॉल। इधर कहीं दिख रहा है वाटरफॉल, तो चलते हैं जिपलाइन पहले पता करते हैं। वैसे सबका प्राइस तो एक ही लग रहा है, 300 में सब लेके जा रहे हैं, फ्री डे में ऐसा कुछ बना रहे हैं कुछ है। मेरा लग रहा है अभी ये वॉलेट बैक साइड में नहीं रखना आपने।
ऊपर जाने। जय माता दी, जय माता दी। भाई दिख तो खतरनाक सर है। भाई इसके बाद मैं शायद व्लॉग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रिस्की लग रहा है इधर। अपना मूड चेंज कर लिया, फोन सही से लगा पहुंचा ही हो जाता इंपॉर्टेंट पर आ गया ना। अरे भाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार, मतलब कि रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया क्योंकि ऐसे कुछ आ रहा था। मैं भी मैं तो उल्टा हो गया था इनकी तरह, सही है। बढ़िया हुआ यार अपना तो ये एडवेंचरस। अब जाना भी वापस उसमें ही है और यहाँ से बढ़िया दिख रहा है वाटरफॉल। चलो भाई जाके देखते हैं। ऐसा कुछ ट्रैक है बढ़िया सा ये बना हुआ है, ऐसे आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं, ऑफ रोडिंग नहीं करना, इसमें ही चलना है जो बना बनाया है। बढ़िया ऐसा सा कुछ व्यू है। फिर ये वाले पहाड़ जो चमक रहे हैं ना इधर से, अरे अभी तक के तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, बढ़िया है। इधर नदी भी बह रही है, इधर वाटरफॉल भी दिख रहा है, बढ़िया है यार। अब सांस चढ़ने लग गई, कोई नहीं चलते। बंजारा जाने ना तू क्यों फिरता वारा, दिल मेरे तू है एक नकारा, माने ना तू क्यों किस्मत का मारा। बंजारा जाने ना तू क्यों फिरता आवारा, क्या हासिल इस जहां में खुद को जाने ना तू दिल, क्या सच और क्या फसाने। हाँ ले दिल मुश्किल से सब चीज कवर हो रहा है, इधर से पूरा शीशु दिख रहा है और वाटरफॉल तो था ही अमेजिंग। अब नीचे चलते हैं वापस से, रोप वे से जाएंगे जिप लाइन से, तो चलते हैं। ये जो ट्रैक बना है उसमें ही चलिए, खेत वगैरह में चलने का यहाँ पे 500 रुपये फाइन है, तो अच्छा हो बेहतर होगा कि इसमें ही चले ट्रैक जो बना बुनाया है, खेत वेत से अपना कुछ रास्ता ना बना के चलें। और ये फिर देखो ये पूरा शीशु, बस इतना ही है शीशु, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। और वो सामने दिख रहा है शीशु लेक। बोल रहा था अगर मैं ट्राई करूंगा जिप लाइन में हो सके तो वीडियो लेने का, पता नहीं यार कैसे ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ट्राई तो करूंगा एक बार। क्या ना उसमें एक हाथ नहीं पकड़े तो अपन ऐसे लेट जाएंगे क्या, वो ट्राई करना है मेरे को एक बार ही, देखते हैं। ट्राई करता हूँ मैं वीडियो, बस हाथ की ग्रिप टाइट रखने बोला भैया ने, और बाकी बोला हो जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग भैया। बंजारा जाने ना तू क्यों फिरता वारा, दिल मेरे तू है एक नकारा, माने ना तू क्यों किस्मत का मारा। ये हो गया शिशु, अपना शिशु में बस इतना ही, एक और मोनेस्ट्री बट वो जा नहीं रहे। और अब जा रहे हैं अपन जसपा, जसपा और फिर उसके बाद सोचेंगे आगे कहाँ जाना, तो लेट्स गो। तो गाइस जसपा यहाँ से दिखा रहा है 1 घंटा 13 मिनट और सामने व्यू उसी के आसपास ही होगा जसपा। यार गाइस निकले हमें 5 मिनट ही हुआ था,
और सुंदर सा वाटरफॉल मिल गया, तो हाथ पैर थोड़ा सा धो लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइनली गाइस वी आर इन जसपा और सारे कैंप्स ही दिख रहे लाइन से नीचे में, इधर सारे लाइन से कैंप्स दिख रहे। तो गाइस जसपा अपन पहुंच गए और अभी अपन नीचे जा रहे हैं रिवर के पास। जसपा में ऐसा सच कुछ ज़्यादा तो है नहीं, जसपा वो लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोग लद्दाख वगैरह निकल रहे हैं। तो यहाँ से जो है एक दिन का स्टे ले लिया, फिर आगे जाके बारह लाचला पास और फिर वो सरचू वगैरह तो बहुत ही पास है यहाँ से, तो इसके आगे तो और नहीं जाएंगे, इसके आगे फिर लद्दाख पहुँच जाएंगे। भाई जाने का तो बहुत मन है बारह लाचला पास वगैरह सरचू वगैरह, बट कोई नहीं, कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ेंगे और फिर रिटर्न होंगे जसपा से। और सामने जसपा में बहुत सारे वो टेंट हाउस कैंप वगैरह हैं, बट अपना होम स्टे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे अपन एडवेंचर वगैरह, क्योंकि वापस तो रिटर्न होना ही है क्योंकि कल कसौल भी जाना है। तो चलते हैं बस ये एंजॉय करते हैं और फिर रिटर्न भी होना है। ये देखो गाइस यहाँ के प्रेशर के कारण ये भी फुल सा गया थोड़ा सा, और ये सामने ही बाघ नदी बह रही है बढ़िया, क्या व्यूज है यार। और चलो गाइस यहाँ से बढ़िया अपन चिल वाला मोमेंट निकाल के आगे बढ़ते हैं। आगे है एक हिमाचल का हाईएस्ट ब्रिज बता रहे हैं, वो एक बार देख के आ जाते हैं और फिर चुपचाप रिटर्न हो जाएंगे। चलते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे और सुंदरता बढ़ रही है ना। तो यही था वो ब्रिज। नो पार्किंग ऑन ब्रिज, 38 फीट ऊपर है ये। क्या नाम है और ब्रिज का? राजनाथ सिंह ने किया था इसको। ब्रिज का नाम कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? डारचा। तो ये डारचा ब्रिज मनाली सरचू रोड में। ये तो ऑसम है, बाजू में चलने वालों के लिए अलग से और इधर का भी। तो यू हैव जस्ट विजिटेड डारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके आगे फिर दीपक की ताल जाती है, लेकिन उसकी एंट्री बंद हो गई है, 9 से 3 बजे तक रहता है। कोई नहीं, अब तो वैसे भी वापस जाना है, और देखो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी गुरखा है। वाह दीदी बैठ जाओ।
एक ट्रैक है वो शायद करें अपन, तो देखो ये मूवमेंट मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। पिछले एक साल से बस मैं ये सब वीडियोस में दिखता था, यूट्यूब वीडियोस में काफ़ी दिखते रहता था कि ये सर्च हुए जिस्पा हो गया, अभी ये सारे मैं खुद की कार से घूम रहा हूँ, तो मतलब ये क्या ही डिस्क्राइब कर सकता हूँ मैं। और मैं लास्ट आया था 2019 में मनाली, बट मैं इतना आगे नहीं आया था, जिस्पा सर्च वगैरह कवर नहीं किया था, बस मनाली घूम के चले गया था। तो ये सब तो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ज़्यादा देर चले नहीं थे और उससे पहले ब्रेक ले लिए, थोड़ा सा मैगी खाते और फिर निकलते हैं। अब मैं सीधा मिलता हूँ आपको कुल्लू में, क्योंकि अब शाम भी होने वाली है और थोड़ी ड्राइविंग फोकस करना, तो सीधा मिलते हैं आपको कुल्लू में। और तो कुछ वही रास्ता है तो उसको क्या दिखाऊंगा आपको। ठीक है भाई, मिलते कुल्लू में। ओए